हे गाइस वेलकम बैक टू अवर चैनल अगेन आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टेइंग सेफ सो आज हम करने वाले हैं पार्ट सेकेंड ऑफ कंप्यूटर अवेयरनेस सो लेट स्टार्ट फ्रॉम द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर सो आज हम करेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर कंप्यूटर इज़ नॉट अ क्रिएशन ऑफ वन डे रेदर इट टुक्स अ लॉन्ग पीरियड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर इज डिस्क्राइबड इन दिस टेबल सो so, कंप्यूटर जो है वो किसी एक दिन की तो क्रिएशन नहीं है ठीक है उसको क्रिएट करने में लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम लगा है उसकी डेवलपमेंट के लिए टाइम लगा है लाइक like, पहले छोटे मोबाइल्स होते थे पहले टेलीफोन्स होते थे फिर छोटे मोबाइल्स आए अब एंड्रॉयड आईफोन सब अलग वैसे वैसे टाइम के अकॉर्डिंग जो है कंप्यूटर में भी डेवलपमेंट हुई उसके बाद मॉडर्न कंप्यूटर्स आए सो ये जो हम टेबल डिस्कस करेंगे इसमें हम पढ़ेंगे इन्वेंशंस ऑफ कंप्यूटर फर्स्ट ऑफ ऑल आया एबेकस जो आया था 1602 में इन्वाइटर है चाइना इन करेक्टरिस्टिक्स क्या है इसके फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस एंड अ हॉरिजेंटल रॉड रिप्रेजेंट अ वन टेंथ हंड्रेड एट्सट्रा एप्लीकेशन्स यूज फॉर एडिशनल एंड सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन के लिए इसको यूज़ किया जाता था एड और सब्ट्रैक्शन के लिए कैलकुलेशन ऑफ स्क्र रूट्स कैन बी आल्सो परफॉर्म्ड ठीक है सो कैलकुलेशन स्क्र रूट्स निकालने के लिए भी इसको परफॉर्म किया जाता था उसके बाद आया था नैपियर बोन्स जो आया सिक्सटीन में जॉन नैपियर ने इसको इन्वेंट किया था स्कॉटलैंड में थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर इसमें जो है आ, हम करेक्टरिस्टिक्स जो इसके थे थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर होल्डिंग नंबर्स फ्रॉम जीरो टू नाइन ओनली एंड रिप्रेजेंट ग्राफिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ कैलकुलेटिंग रिजल्ट एंड एप्लीकेशंस परफॉर्म मल्टीप्लिकेशन एंड नंबर ठीक है इसमें हम क्या कर सकते मल्टीप्लीकेशन कर सकते थे नंबर्स पे एंड टेक्नोलॉजी यूज फॉर कैलकुलेटिंग कैलकुलेशन कॉल्ड रैबडोलोगियािया उसके बाद इसमें जो आया था वो था पैस्किन जो 1642 में आया था बस ब्लेस पैसकल जो फ्रांस से इन्वेंटर हैं एंड uh, करेक्टिक्स हैं इसके फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन एंड इट वाज स्ट्रक्चरल लाइक रेक्टेंगुलर बॉक्स की तरह स्ट्रक्चरल विद एट डिस्क ठीक मतलब है मतलब रिप्रेजेंट नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं उसके बाद एप्लीकेशन से इसकी परफॉर्म्स एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर्स मेनली डिजाइन विद रिगार्ड्स टू द प्रेशर ऑफ लिक्विड दो नंबर्स की एडिशन सब्ट्रैक्शन जो है परफॉर्म कर लेता है ओके सो उसके बाद है उसके बाद आया था जैकवाड्स लूम जो आया 1801 में जो सेफ मारी जैकवाड जो कि फ्रांस से इन्वेंटर हैं मेनली इसके करेक्ट करेक्टाइज क्या है मेनली वीड अ सिल्क बेस्ड पैटर्न यूज पंच्ड कार्ड फॉर द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन ओके सो so, इसके एप्लीकेशन है सिंप्लीफाइड द प्रोसेस ऑफ टेक्सटाइल्स नेक्स्ट है एनालिटिक इंजन जो 1837 में आया चार्लिस बाबगेज फादर ऑफ कंप्यूटर लंडन इसके जो करेक्टर्स करेक्टाइज करेक्टर्स हैं करेक्टर फर्स्ट जर्नल पर्पज कंप्यूटर एक ये एंड सेकेंड वन इज स्टोर्ड प्रोग्राम इन द फॉर्म ऑफ पैग्स ऑल्सो कॉल बैरल्स एंड इसकी जो एप्लीकेशन हैं इट वॉज अ डेसिमल मशीन यूज साइन एंड मैग्नीट्यूड फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नंबर ओके सो नेक्स्ट है इसका नेक्स्ट आता है टैबुलेटिंग मशीन नेक्स्ट uh, है टैबुलेटिंग मशीन जो आया था एटीन जीरो सॉरी एटीन नाइनटीन में हारमन हॉलरिथ अमेरिका से इन्वेंटर हैं एंड करेक्टिक्स हैं इसके इट यूज पंच कार्ड विद राउंड होल्स एंड इट वॉज अ फर्स्ट इलेक्ट्रो मैकेनिकल मशीन डिजाइन टू प्रोसेस अ डाटा फॉर सेंशिस इन नाइन एक तो ये पंचस कार्ड विद राउंड होल्स के लिए यूज होता था और दूसरा ये इलेक्ट्रो मैकेनिकल मशीन है फर्स्ट इलेक्ट्रो मैकेलेक्ट्रो मैकेनिकल मशीन है जिसको किसके लिए यूज़ किसके लिए बनाया गया था डाटा जो सेंसिस इन एटीन नाइन्टी में इस पर प्रोसेस करने के लिए एप्लीकेशन है रीड वन कार्ड एट अ टाइम ओके सो उसके बाद मार्क वन नाइनटीन फोर में हावार्ड एक्कन अमेरिका से हैं एंड कंसिस्ट ऑफ इसके करेक्टरस्टिक्स से कंसिस्ट ऑफ इंटर लॉकिंग पैनल ऑफ स्मॉल ग्लास काउंटर्स स्विचेस एंड कंट्रोल सर्कट्स ठीक है उसके बाद डाटा कैन बी एंटर मैनुअली मैनुअली इसमें डाटा भी एंटर किया जा सकता है एप्लीकेशनज़ आर मेनली यूज इन द वॉर एफर्ट ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान इसमें जितना भी वॉर एफर्ट का डाटा था वो सब इसमें यूज मतलब इसको यूज़ किया गया एट द टाइम एंड मैग्नेटिक ड्रम्स आर यूज फॉर स्टोरेज और जो मैगनेटिक ड्रम्स हैं उनको किस लिए यूज़ किया गया स्टोरेज के लिए उसके बाद ए एन आई ए सी नाइनटीन फोर्टी सिक्स जे पी एकेट एंड जे डब्ल्यू मोकली अमेरिका इट वॉज कम्बिनेशन ऑफ ट्वेंटी एकामूलेटर्स फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर ये था जो था फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर एप्लीकेशन यूज़ फॉर द वेदर प्रोडिक्शन के लिए यूज़ किया जाता है एटोमिक एनर्जी कैलकुलेशन के लिए एंड अदर सिग्निफिकेंस यूजर्स के लिए उसके बाद है ई डी सी एस ए सी नाइनटीन फोर्टी नाइन में जॉन वॉन न्यूमैन अमेरिका से है एंड करेक्ट्रस्टिक्स हैं इट वॉज फर्स्ट कंप्यूटर विच प्रोवाइड स्टोरेज कैपेसिटी ये फर्स्ट कंप्यूटर था जो स्टोरेज कैपेसिटी प्रोवाइड करता था कंप्यूट फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम वॉज़ रन ऑन मशीन एंड इसके एप्लीकेशंस हैं कैपेबल ऑफ स्टोरिंग इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा इन मेमोरी मतलब इंस्ट्रक्शंस को स्टोर uh, करना और डाटा को स्टोर करना उसके कैपेबल में थे ये कंप्यूटर जो भी थे यूज मर्क्री डिले लाइन फॉर मेमरी वैक्यूम ट्यूब्स फॉर लॉजिक उसके बाद आता है यूनिवैक यूनिवैक नाइनटीन फिफ्टी वन में जे प्रेस्पर एकेट एंड जॉन मोकले अमेरिका के फर्स्ट जर्नली पर्पज इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर विद लार्ज अमाउंट ऑफ इनपुट एंड आउटपुट ज्यादा आप डाटा डाल सकते हो और ज्यादा आउटपुट भी जो है इस पे मिल सकता है तो ये फर्स्ट जर्नल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था यूज मैग्नेटिक टेप्स एज इनपुट एंड आउटपुट उसके बाद आई 650 कंप्यूटर 1953 में इन्वेंटर आई कंपनी प्रोवाइडेड इनपुट आउटपुट यूनिट्स कन्वर्टिंग अल्फाबेटिकली एंड स्पेशल करेक्टर्स टू द टू डिजिट डेसिमल कोड और एप्लीकेशन प्रेरोल प्रोसेसिंग ऑयल रिफाइनरी डिजाइन एंड मार्केट रिसर्च एनालिसिस ओके उसके बाद नेक्स्ट जो था आपका वो है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर ठीक है जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में सो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में हमने पढ़ना है अ जनरेशन रेफर्स टू द स्टेट ऑफ इम्प्रूवमेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ सिस्टम कंप्यूटर्स आर बिल्ट ऑफ इलेक्ट्रो मैकेनिकल बिफोर जनरेशन ईच ऑफ कंप्यूटर इज करैक्टराइज बाय अ मेजर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट दैट फंडामेंटल चेंज द वे कंप्यूटर्स ऑपरेट ठीक है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स का मतलब है कि अकॉर्डिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम जो उसमें चेंजेस आती हैं जनरेशन रेफर्स टू द स्टेट ऑफ इंप्रूवमेंट कि कितनी इंप्रूवमेंट हो रही है डेवलपमेंट ऑफ सिस्टम में उसको रेफर वो किसको रेफ़र किया जाता है जनरेशन को रेफर किया जाता है तो जो कंप्यूटर्स के रिगार्डिंग uh, जो चेंजेस हो रही थी जो डेवलपमेंट हो रही थी उसमें वो किस में रेफर किया जाता है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में कंप्यूटर्स जो थे वो इलेक्ट्रो मैकेनिकल Uh, जो थे कंप्यूटर्स आर बिल्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैनिकल बिफोर जनरेशन ईच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज करेक्टराइज बाय अ मेजर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट दैट फंडामेंटली चेंज अ वे कंप्यूटर्स ऑपरेट तो वो आहिस्ता आहिस्ता उसमें चेंजेस आने लगी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की वजह से फंडामेंटल चेंजेस की वजह से जो कंप्यूटर ऑपरेट हुए उसके बाद आता है अब बताया गया इसमें जनरेशन के हिसाब से स्विचिंग डिवाइस कौन सा था स्टोरेज कितनी उसकी ठीक है ऑपरेटिंग सिस्टम करेक्टिक्स और एप्लीकेशन लाइक like फर्स्ट जो था जनरेशन वो 1940 से 56 तक हुआ था वैक्यूम ट्यूब्स इसका स्विचिंग डिवाइस था वैक्यूम ट्यूब्स एंड स्टोरेज थी मैग्नेटिक ड्रम्स थ्री 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 माइक्रो सेकेंड्स ठीक है उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम बैच ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि मशीन लैंग्वेज बाइनरी कितना जीरो जीरोज एंड वंस के बीच में करेक्ट्रिस्टिक्स फास्टेस्ट कंप्यूटिंग डिवाइस जनरेट लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड नो नॉन पोर्टेबल एप्लीकेशन यूज फॉर सिग्निफिकेंट साइंटिफिक पर्पज़ एग्जाम्पल ई एन आई एंड यूनिवेक मार्क वन को जिसके लिए हम जिसमें यूज करते हैं उसमें हम इसको भी कर सकते थे ओके okay. उसका ये तो था फर्स्ट का अब सेकंड सेकंड की बात करते हैं सेकंड uh, जो uh, हुआ जनरेशन वो 1956 फिफ्टी सिक्स से सिक्सटी थ्री पहला फोर्टी से फिफ्टी सिक्स से, से था सेकंड फिफ्टी सिक्स से सिक्सटी थ्री था ओके सो 56 से 43 इसका जो स्विचिंग डिवाइस है ट्रांजिस्टर मीडअप ऑफ सेमी कंडक्टर से जो बना हुआ है ठीक है स्टोरेज डिवाइस मैग्नेटिक कोर इसका था मैग्नेटिक ड्रम्स 333 थ्री थ्री माइक्रो सेकंड इसका था मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी 10 माइक्रो सेकेंड्स इसका ऑपरेटिंग सिस्टम है टाइम शेयरिंग ओ एस मल्टीटास्किंग ओ लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज और करेक्टरिस्टिक्स हैं मोर रिलेबल एंड लेस प्रोन टू हार्डवेयर फेलियर पोर्टेबल एंड जनरेट लेस अमाउंट ऑफ हीट एंड एप्लीकेशन यूज फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन जैसे पी डी पी एट आई बी एम फोर्टीन जीरो वन एटसेट्रा जिसमें यूज किया जाता है उसके बाद आता है थर्ड 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 जो था वो ये सिक्सटी थ्री में इसका एंड था और ये सिक्सटी फोर से स्टार्ट है सिक्सटी फोर टू सेवेंटी वन जनरेशन स्विचिंग डिवाइस है इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी आईसीज मिडअप ऑफ सिलिकॉन से जो बना हुआ है एंड मैग्नेटिक कोरस प्राइमरी स्टोरेज मीडियम हंड्रेड नैनो सेकेंड्स और ऑपरेटिंग सिस्टम है इसका रियल टाइम सिस्टम हाई लेवल लैंग्वेज फॉर टन कोबोल एलगोल एंड करेक्टरिस्टिक्स आते हैं कंज्यूम लेस पावर हाईली सफस्कटेड टेक्नोलॉजिकल रिक्वायर्ड एप्लीकेशन आते हैं डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम एग्जाम्पल है एनसीआर थ्री नाइनटी फाइव बी सिक्स फाइव ज़ीरो ज़ीरो एक्सेट्रा अगर उसके बाद का देखें तो फोर्थ जो है ठीक है फोर्थ जो है जनरेशन वो नाइनटीन सेवेंटी वन से नाइनटीन सेवेंटी वन से जो है, है प्रेजेंट तक अभी तक जो है वो लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड एलएसआई जिसको बोलते हैं सर्किट माइक्रो प्रोसेसर उसके बाद स्टोरेज है सेमी कंडक्टर्स ठीक है सेमी कंडक्टर्स मैमरी सेमी कंडक्टर्स मैमरी डिस्क थ्री जीरो जीरो नैनो सेकेंड उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम है टाइम शेयरिंग जी आई इंटरफेस पासकल एडीए कोबोल सेवेंटी फोर फोर्ट्रेन फोर उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स है मोर रिलेबल एंड पोर्टेबल दिस जनरेशन लीड्स टू बेटर कम्युनिकेशन एंड रिसोर्स ऑफ शेयरिंग उसके बाद आता है आपका एप्लीकेशन में डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम एग्जाम्पल अगर इंटेल फोर जीरो जीरो पी चप ये है तो इसमें हो जाएगा उसके बाद आता है फिफ्थ प्रेजेंट एंड बियॉन्ड सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड मतलब एस एल एस आई चिप्स इसमें यूज हुई हैं ऑप्टिकल डिस्क इसका स्टोरेज है एंड ऑपरेटिंग सिस्टम है नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम हैं करेक्टिक्स हैं पैरेलल प्रोसेसिंग इंटेल कोरो माइक्रो uh, प्रोसेसर इज इंप्लीमेंटेड एनेबल्स मेगा चिप ओके okay, और उसके बाद इसका एप्लीकेशन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे कि रोबोटिक्स होते हैं ओके okay? सो so, नेक्स्ट है टिड बिट्स टिड बिट्स में आपका आता है सिद्धार्थ वो जो फर्स्ट कंप्यूटर डेवलप इन इंडिया सिद्धार्थ जो था फर्स्ट कंप्यूटर डेवलप्ड था इंडिया में आलिन टर्निंग इज नोन एज अ फादर ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटर के फादर किसको बोला जाता है एल एन को जॉन वॉन न्यूमैन वॉज इंट्रोड्यूस आर्किटेक्टर ऑफ कंप्यूटर इन ईयर जॉन वॉन न्यूमैन को फर्स्ट आर्किटेक्टर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है जो uh, कौन से में था नाइनटीन फोर्टी एट ट्रांजिस्टर वर इन्वेंटेड बाय बेल लेबॉरटरी बेल लेबॉरटरी ने ट्रांजिस्टर को इन्वेस्ट किया है फिफ्टी एट में जैक एंड क्लेयर कैलबी एंड रॉबर्ट नायोस इन्वेंटेड फर्स्ट आईसी इन लेटेस्ट जनरेशन कंप्यूटर्स द इंस्ट्रक्शंस आर एक्सीक्यूटेड पैर एज 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 वेल एज सिक्वेंशियल उसके बाद आता है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर में क्या है कंप्यूटर्स आर मेनली क्लासीफाइड इन थ्री टाइप्स तीन टाइप्स में कंप्यूटर जो है वो क्लासीफाई हुए हैं सबसे पहले आता है बेस्ड ऑन साइज ठीक है सबसे पहले आता है आपका बेस्ड ऑन साइज जो कि साइज पे बेस है बेस्ड ऑन वर्क वर्क पे बेस है एंड बेस्ड ऑन पर्पज परपजस पे ठीक है बेस्ड ऑन साइज जो है ये आगे फोर पार्ट्स में डिवाइड है एक है माइक्रो कंप्यूटर फिर है मेन फ्रेम कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर बेस्ड ऑन वर्क है एनालॉग कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर हाइब्रिड कंप्यूटर एंड बेस्ड ऑन परपज है जनरल पर्पज़ कंप्यूटर एंड स्पेशल पर्पज़ कंप्यूटर अब हम बात कर लेते हैं बेस्ड ऑन साइज़ कंप्यूटर की तो अगर हम ऐसे देखें माइक्रो कंप्यूटर ठीक है साइज के हिसाब से माइक्रो मतलब छोटा मेन फ्रेम की जितना है उसका फ्रेम उस हिसाब से मिनी भी छोटा होता है और सुपर कंप्यूटर मतलब बड़ा साइज़ का ठीक है ये साइज़ के बेस पर हो गया अगर हम बेस्ड ऑन वर्क देखते हैं एनालॉग कंप्यूटर एनालॉग एनालॉगिंग करना मतलब वर्क करना है डिजिटल मतलब वर्क करना है एंड हाईब्रिड कंप्यूटर मतलब वर्क करना यह सब वर्क पर बेस्ड एंड पे देखा जाए तो वो जनरल पर्पज कर रहे हो या स्पेशल कोई वर्क कर रहे हो तो वो किस पे बेस्ड हो गया पर्पज पे बेस्ड हो गया तो थोरेटिकली हम जो बेस्ड ऑन एक्साइज पे पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ साइज कंप्यूटर आर कैटेगराइज एज फॉलोज कंप्यूटर भी आगे कैटेगराइज किया गया है फर्स्ट वन इज माइक्रो कंप्यूटर सो माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है दीज टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स आर लीस पावरफुल येट मोस्ट वाइडली यूज एंड ऑल्सो कॉल पोर्टेबल कंप्यूटर्स ठीक है जो माइक्रो uh, कंप्यूटर्स होते हैं ना इनमें इतना ज़्यादा पावर नहीं होता है। ठीक है ये लीस पावरफुल पावरफुल होते हैं इनमें पावर कम होता है ये मोस्ट वाइडली यूज होते हैं मतलब ज़्यादातर इनको इन यूज किया जाता है Also called, इनको पोर्टेबल कंप्यूटर्स भी बोला जाता है क्या बोला जाता है इनको पोर्टेबल कंप्यूटर्स भी इनको बोला जाता है माइक्रो कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ थ्री बेसिक कैटेगरीज ऑफ फिजिकल इक्विपमेंट कौन कौन सी हैं सिस्टम यूनिट इनपुट आउटपुट एंडिट एंड मेमरी यूनिट कौन कौन सा सिस्टम यूनिट इनपुट आउटपुट यूनिट एंड मेमोरी यूनिट तो इन तीन फिजिकल इक्विपमेंट इनको कैटेगराइज किया गया है सम टाइप्स ऑफ माइक्रो कंप्यूटर्स आर एस फोरोस कुछ टाइप्स इसके नीचे बताई गई हैं जैसे फर्स्ट वन है आपकी डेस्कटॉप कंप्यूटर मतलब और पर्सनल कंप्यूटर ठीक है डेस्कटॉप कंप्यूटर मतलब डीसी और पर्सनल कंप्यूटर मतलब पीसी सी दीज आर स्मॉल रिलेटिव इकोनॉमिकल कंप्यूटर्स से छोटे और इकोनॉमिकल कंप्यूटर्स होते हैं दीज आर बेस्ड ऑन द माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी जो जो कि किस पर डिपेंड होते हैं माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी पे डिपेंड होते हैं मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट आई पे ओके उसके बाद आता है आपका बी लैपटॉप ए ये तो डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर ये आपका आता है लैपटॉप लैपटॉप क्या होता है दीज कंप्यूटर आर ऑल्सो उन्होंने अल्ट्रा बुक भी बोला जाता है या फिर नोटबुक भी बोलते हैं मतलब जो आप अपने साथ कैरी कर सकते हो दीज आर पोर्टेबल एंड लाइट वेटेड पोर्टेबल होते हैं और लाइट वेटेड होते हैं बिल्कुल से दे इंक्लूड रिचार्जेबल बैटरी इनको रिचार्ज कर सकते हो सो दीज कैन वर्क एनी ये कहीं भी काम कर सकते हैं ओके okay? सो so, उसके बाद आता है आपका सी सी आपका है हैंड हेल्ड और पाम टॉप तो इसका नाम सुन के ऐसा लग रहा है कि कुछ हैंड से रिलेटेड है या मतलब या तो हम इनको हैंड में पकड़ सकते हैं और पाम टॉप मतलब इसमें भी कुछ रिलेटेड है सो लेट्स डिस्कस कंप्यूटर दीज आर स्मॉलेस्ट एंड आर डिज़ाइन टू फिट इन टू द पाम ये इतने छोटे कंप्यूटर होते हैं कि आपके हथेली पे जो हैं फिट आ सकते हैं सो so, ज आर ऑलसो नोन एज पॉम टॉप भी बोला जाता है दे आर प्रैक्टिकली फॉर सर्टन फंक्शन कुछ फंक्शंस के लिए कोई सर्टन फंक्शंस के लिए इनको बनाया जाता है सच एज फोन बुक और कैलेंडर के लिए ठीक है दे आर यूज द पेन फॉर इनपुट इंस्टेड ऑफ की बोर्ड तो दे यूज दे यूज अ पेन फॉर इनपुट के लिए पेन यूज करते हैं जगह कीबोर्ड की जगह एग्जाम्पल जैसे पीडीए पी डी ए मतलब पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट ठीक है जैसे कोई पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट है या फिर टैबलेट है एटसेट्रा उसके बाद आपका डी आता है टैबलेट कंप्यूटर टैबलेट क्या होता है दी हैव की फीचर्स ऑफ द नोटबुक कंप्यूटर ये बिल्कुल ही नोटबुक कंप्यूटर की तरह होता है बट दीज कैन एक्सेप्ट इनपुट फ्रॉम द पेन इंस्टेड ऑफ द कीबोर्ड और माउस और ये भी क्या करता है इनपुट मतलब जो डाटा आप इसके अंदर डालते हो वो पेन से ही ये क्या करता है एक्सेप्ट करता है कीबोर्ड या माउस के अलावा मतलब इंस्टेड मतलब उनको छोड़ के ठीक है उसके बाद ई पार्ट आपका आता है वर्क स्टेशन कंप्यूटर वर्क स्टेशन कंप्यूटर कौन सा होता दीज आर कंप्यूटर डेडिकेटेड टू अ यूजर और अ ग्रुप ऑफ़ यूजर्स एंगेज्ड इन बिजनेस और प्रोफेशनल वर्क ये कंप्यूटर्स मतलब जो एंगेज्ड होते हैं हर एक काम से ग्रुप ऑफ वर्क से ग्रुप ऑफ यूजर्स से इंगेज होते हैं या फिर किसी बिजनेस या प्रोफेशनल वर्क के लिए यूज़ करते हैं इट इंक्लूड्स वन मोर हाई रेसोल्यूशन डिस्प्ले एंड फास्टर प्रोसेसर देन अ पर्सनल पीसी से इसका जो है प्रोसेसर ज़्यादा फास्टर होता है ठीक है उसके बाद आता है आपका मिनी कंप्यूटर। सो मिनी कंप्यूटर क्या होता है मिनी कंप्यूटर सो दीज आर स्मॉलर इन साइज़ ये छोटे होते हैं साइज़ में फास्ट एंड कॉस्ट लोअर देन मेन फ्रेम कंप्यूटर से ये इनकी कॉस्ट कौ, जो है वो कम होती है इनिशियली द मिनी कंप्यूटर वॉज डिज़ाइन टू कैरी आउट सम स्पेशल टास्क लाइक इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन सी ए डी कैल्कुलेशन के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है बट नाउ दे आर बींग यूज एज सेंट्रल कंप्यूटर लेकिन आजकल इसको सेंट्रल कंप्यूटर के लिए के uh, मतलब जगह पे यूज़ करते हैं विच इज़ नोन एज सर्वर बोलते हैं इसको मिनी कंप्यूटर और आई बी एम सेवनटीन डी ई सी पी डी पी एलेवन एच पी नाइन थाउजेंड एटसेट्रा ये सारे क्या हैं मिनी कंप्यूटर्स हैं उसके बाद आता है आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर्स ठीक है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में क्या है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में क्या है दीज टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हैविंग लार्ज इंटरनल मेमोरी स्टोरेज इसका जो स्टोरेज मेमोरी होता है इंटरनल वो ज़्यादा होता है एंड कंप्रीहेंसिव रेंज ऑफ सॉफ्टवेयर का इसका एक कंप्रीहेंसिव रेंज होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर सर्व एज अ बैकबोन जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है ये इंटायर बिजनेस वर्ल्ड की एक बैकबोन बोल सकते हैं इट इज कंसिडर्ड एज अ हीट ऑफ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स और टर्मिनल दैट अलाव अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल टू वर्क एट द सेम टाइम ठीक है सो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स जो कौन कौन से आई बी एम थ्री सेवेंटी आई बी एम एस थ्री नाइन्टी यूनिवेक वन 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 जीरो एट्सट्रा ये सारे आते हैं आपके मिनी कंप्यूटर्स में उसके बाद आता है आपका सुपर कंप्यूटर दी ज़्यादा फास्टेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव मशीन ये बहुत फास्ट uh, और एक्सपेंसिव है महंगा है दे हैव हाई प्रोसेसिंग स्पीड इसकी ज़्यादा है कंपेयर टू द अदर कंप्यूटर्स के मुकाबले सुपर कंप्यूटर्स आर मोस्ट पावरफुल लार्ज इन साइज एंड मेमरी कम्पेयर टू ऑल अदर कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर्स जो हैं साइज़ में पावरफुल में मामरी में बाकी कंप्यूटर्स के मुकाबले इसमें सारा कुछ ज़्यादा है द स्पीड ऑफ सुपर कंप्यूटर आर मेजर इन द फ्लॉप्स फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेटिंग पर सेकेंड में जो है इसको मेजर इसकी स्पीड की जाती है सुपर कंप्यूटर्स आर यूज फॉर High, highly calculation intensive tasks such as weather forecasting, nuclear research, military agencies, and scientific. रिसर्च लेबोरेटरी के लिए इसको यूज़ किया जाता है सुपर कंप्यूटर को किसके लिए यूज़ किया जाता है इंटेंसिव टास्क कोई भी ज़्यादा हाईली कैलकुलेशन होती है जैसे वेदर फॉरकास्टिंग या न्यूक्लियर रिसर्च मिलिट्री एजेंसी से साइंटिफिक रिसर्च पे कुछ भी करना है आपको सो सी रे वन जो है इसका uh, है वो द वर्ल्ड फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है जो इंट्रोड्यूस किया है सीम्योर आर सी रे इन नाइनटीन सेवेंटी सिक्स आगे है पी ए रैम वॉज द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप इन इंडिया नाइनटीन नाइनटी में एंड पी रैम ईशान इन द लेटेस्ट मशीन इन द सीरीज ऑफ पी रैम मेड बाय सी डी ए सी एंड द आई आई टी ऑन ट्वेंटी सेप्टेम्बर टू थाउजेंड सिक्सटीन उसके बाद आता है आपका बेस्ड ऑन वर्क कि वर्क पे ये कैसे बेस्ड है सो ऑन द बेसिस ऑफ वर्क कंप्यूटर्स को फिर से कैटेगराइज किया है जैसे फर्स्ट किया आपको एनालॉग में ठीक है फर्स्ट किया है एनालॉग में एनालॉग में किया एनालॉग है दीज कंप्यूटर्स कैरी आउट आर्थामेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन बाय मैन्युपुलेटिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ डाटा एग्जाम्पल स्पीडोमीटर एंड सिस्मोग्राफ ठीक है सो so, ये जो कंप्यूटर्स होते हैं ये कैरी uh, आउट करते हैं आर्थामेटिक और लॉजिकल जितने भी ऑपरेशन होते हैं डाटा मैन्यूपुलेट करना उस पर प्रोसेस करना जैसे स्पीड स्पीडोमीटर करता है सिस्मोग्राफ करता है ये सब एनालॉग कंप्यूटर्स कैन परफॉर्म सेवरल मैथामेटिकल ऑपरेशन सैमल्टेनियसली एनालॉग कंप्यूटर जो ये थमेटिकली जितने भी ऑपरेशन होते हैं उनको साइमल्टेनियसली परफॉर्म करता है इट इज़ यूज कॉन्टीन्यूस वेरिएबल फॉर मैथेमेटिकली ऑपरेशन एंड यूटिलाइज मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी सो इसको किस लिए यूज किया जाता है कॉन्टीन्यूस वेरिएबिलिटी जितनी वेरिएबल्स होते हैं जो मैथेमेटिकल ऑपरेशन एंड यूटिलाइज मैकेनिकल और इलेक्ट्रिक एनर्जी को यूटिलाइज करने के लिए डिजिटल कंप्यूटर क्या होते हैं दीज दीज डू वर्क बाय कैलकुलेटिंग द बाइनरी डिजिट्स डिजिट कंप्यूटर नॉट ओनली परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशन बट ऑल्सो कम्बाइंड द बाइट्स टू प्रोड्यूसड डिजायर्ड ग्राफिक साउंड जैसे डेस्कटॉप जैसे डेस्कटॉप में पी सी आ जाता है ठीक है तो ये कंप्यूटर जो होते हैं ये बाइनरी डिजिट्स को भी कैलकुलेट करते हैं और डिजिटल कंप्यूटर जो है वो सिर्फ मैथेमेटिकली कैलकुलेशन नहीं बल्कि कम बाइट जितने भी कम्बाइन uh, हो रहे हैं जितने भी बाइट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं तो उनको कंबाइन भी करता है ठीक है उसके बाद आ जाता है आपका हाइब्रिड कंप्यूटर हाइब्रिड कंप्यूटर में आता है दीज आर द कम्बिनेशन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर ये दोनों का ही कम्बिनेशन होता है मशीन यूज इन हॉस्पिटल में ईसी के लिए यूज किया जाता है डायलिसिस के लिए यूज किया जाता है हाइब्रिड कंप्यूटर्स को आर द कॉमनली यूज इन हाइब्रिड कंप्यूटर्स ओके उसके बाद आता है बेस्ड ऑन पर्पज तो बेस्ड ऑन पर्पज कैटेगराइज किया गया है फर्स्ट वन इज जनरल पर्पज कंप्यूटर जनरल पर्पज कंप्यूटर आर दो कंप्यूटर विच आर यूज टू सॉल्व द वराइटी ऑफ प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम चेंजिंग द प्रोग्राम्स ऑफ इंस्ट्रक्शन टू

मतलब इंस्ट्रक्शंस और इंफॉर्मेशन के लिए इसको यूज़ किया जाता है उसके बाद आता है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर तो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर में आता है आपका स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स आर दोज कंप्यूटर विच आर यूज्ड टू सॉल्व अ सिंगल एंड डेडिकेटेड टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स ठीक है जो एक ही और कोई बहुत ही डेडिकेटेड प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व uh, करने में यूज़ किया जाता है जैसे ऑटोमेटिक एयरक्राफ्ट लैंडिंग जैसे ऑटोमेटिक एयरक्राफ्ट लैंडिंग होती है या फिर मल्टीमीडिया कंप्यूटर को यूज आई होप आपको यहां तक समझ आया होगा आगे है क्वांटम कंप्यूटर क्वांटम कंप्यूटर क्या होता है क्वांटम कंप्यूटर वाज अ first per, per, uh, introduced by richard Feynman, it is used quantum mechanical phenomena it is the fastest computer इमिटेटिंग ब्रेन 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 वर्किंग ठीक है क्वांटम कंप्यूटर्स क्या होते हैं ये फर्स्ट जो इंट्रोड्यूस किया था रिचर्ड फेमान ने और इसको यूज किया जाता है क्वांटम मैकेनिकल फिनोमेना के लिए और ये फास्टेस्ट कंप्यूटर है इमिटेटिंग करने के लिए ब्रेन वर्किंग को ठीक है उसके बाद आता है नैनो कंप्यूटर ये जर्नली टीम यूज टू डिस्क्राइब अ कंप्यूटर स्मॉलर देन अ माइक्रो कंप्यूटर से भी जो छोटा कंप्यूटर होता, होता है उसको बोलते हैं नैनो कंप्यूटर यूजली अबाउट द साइज ऑफ अ क्रेडिट कार्ड की तरह जितना ही इसका साइज होता है एग्जांपल है रैशबेरी पीआई विच कोड बी यूज्ड इन स्कूल्स टू टीच साइंस टू चिल्ड्रन को साइंस पढ़ाने के लिए जो स्कूल्स में यूज किया जाता है उसके बाद आता है आपका प्रत्यूष इंडियास फास्टेस्ट एंड फर्स्ट मल्टी प्लेटफॉर्म petaflops pf ठीक है प्रत्यूष सुपर कंप्यूटर नेम प्रत्यूष वाज अनवेल्ड एट पुणे बेस्ड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी आई आई टी एम में इसको यूज़ किया गया है प्रतीयूश है सिक्स पॉइंट एट पी एफ़ पी एफ मतलब पेटाफ्लॉप्स कंप्यूटेशनल पावर इंस्टॉल्ड एट टू एम ओ एस इंस्टीट्यूट फोर पॉइंट टू पेटाफ्लॉप्स एच पी सी फैसिलिटी एट आई आई टी एम पुणे एंड टू जीरो एट पेटाफ्लॉप फैसिलिटी एट एन सी एम आर डब्ल्यू एफ नोएडा प्रत्यूश इज फोर्थ फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड डेडिकेटेड फॉर वेदर एंड क्लाइमेट रिसर्च एंड नोट है पी एफ मतलब पेटाफ्लॉप इज अ मेजर ऑफ कंप्यूटर प्रोसेसिंग स्पीड कंप्यूटर के प्रोसेस जो प्रोसेस स्पीड होती है उसको मेजर करने के लिए पी एफ यूज किया जाता है उसके बाद आपका आ जाता है एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स सो इसको भी क्या किया गया है सम ऑफ़ द एरियाज़ वेयर कंप्यूटर्स आर बीइंग यूज कहाँ पे बैंकिंग के लिए जैसे कंप्यूटर यूज़ होता ही होता है कंप्यूटर यूज फॉर बैंकिंग इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांसफ़र मेकिंग डिपॉजिट वाउचर्स बैंक शीट्स एक्सेट्रा इन सब में क्या होता है कंप्यूटर यूज़ होता है उसके बाद एजुकेशन एजुकेशन में कंप्यूटर कैसे यूज़ होता है कंप्यूटर इज़ अ वेरी इफेक्टिव टूल विच कैन बी यूज फॉर टीचिंग एंड लर्निंग रिजल्ट प्रोसेसिंग स्टूडेंट डाटा प्रोसेसिंग नोट इंप्रेशन प्रेपरेशन एटेट्रा में कंप्यूटर यूज़ होता है ठीक है आपके एजुकेशन में भी कंप्यूटर यूज़ होता है जैसे आप पढ़ा रहे हो या कुछ सीख रहे हो या खुद पढ़ रहे हो रिजल्ट का रिजल्ट बनाना है आपको रिजल्ट प्रोसेसिंग में स्टूडेंट का डाटा उसकी प्रोसेसिंग में नोटबुक प्रपरेशन में भी ये क्या होता है कंप्यूटर यूज़ होता है उसके बाद एंटरटेनमेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटरटेनमेंट फील्ड जैसे मल्टीमीडिया फिल्म मेकिंग एनिमेशंस ग्राफिक्स ऑडियो विजुअल डिजाइन म्यूजिक गेम्स इन सब में क्या होता है ये सब किस में आता है एंटरटेनमेंट में आता है उसके बाद ऑफिस कंप्यूटर यूज फॉर प्रिपेयरिंग रिपोर्ट्स स्टोरिंग डिलीटिंग रिपोर्ट्स अपडेटिंग रिपोर्ट्स सारी ये ऑफिस में जितना भी रिलेटेड काम होता है सारा कंप्यूटर में फिर उसके बाद आता है एडवर्टीजमेंट कंप्यूटर यूज इन द डिफरेंट फील्ड ऑफ एडवर्टीजमेंट सच एज़ बिजनेस एडवर्टीज़मेंट अगर आपको बिजनेस एडवर्टीज़मेंट करनी है फिल्म एडवर्टीज़मेंट करनी है एजुकेशन एडवर्टीज़मेंट करनी है तो आपका कंप्यूटर यूज़ होगा उसके बाद आता है आपका बिजनेस में बिजनेस में कैसे यूज़ करते हैं कंप्यूटर यूज इन बिजनेस फॉर अकाउंटिंग कीपिंग ऑल रिकॉर्ड्स अप टू डाटा एट्सेट्रा उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी तो इसको जो है किया जाता है ए में ठीक सम ऑफ द एक्टिविटीज कंप्यूटर्स विद ए आई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या डिजाइन फॉर इंक्लूड स्पीच रिकॉग्निशन लर्निंग प्लानिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग एटसेट्रा उसके बाद आता है रोबोटिक्स तो ये क्या है ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग एंड साइंस एट डील्स विद द डिज़ाइन कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन एंड यूज रोबोट्स एज वेल एज कंप्यूटर सिस्टम फॉर द कंट्रोल सेंसर ऑफ फीडबैक ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा बाकी का हम डिस्कस करेंगे कल थैंक्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब करना